श्योपुर में आज तीसरे दिन के चरण में श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर ने भिंडी किना पहुंचकर 35 गांव की चंबल नहर का चल रहे कार्यों का अवलोकन किया और फिर 331 करोड़ की मुजरी बांध परियोजना शीघ्र शुरू होने की बात कही। मुजरी बांध स्थल का अवलोकन किया और उसी क्रम में श्योपुर में सरपंचों को सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों को लेकर सरपंचों ने मंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। साथ ही सरपंचों ने मंत्री जी को धन्यवाद दिया, पुराने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए कि कोई अच्छा प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजें जिससे जगह का सदुपयोग हो सके और फिर ब्राह्मण समाज के नवयुवक मंडल के द्वारा मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय दुर्गालाल जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महावीर सिंह सिसोदिया जी, महामंत्री सुशांत जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष मई रतन वारसी जी आज इस अवसर पर उपस्थित योगराज जी, अशोक जी आज इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ महानुभाव और नौजवान भाइयों, आज मुझे भी मालूम था कि कार्यक्रम क्या है। मैं दो दिन से श्योपुर में हूँ तो इन सब लोगों ने मुझे कहा कि ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में चल रहा है, तो कार्यक्रम का उपलक्ष्य भी नहीं मालूम था, कार्यक्रम का उद्देश्य भी नहीं मालूम था, लेकिन मेरे मन में था कि ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है तो हमें जाना ही चाहिए और इसे मैं आप सब के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। पिछले दिनों कोविड का संकट था तो उस समय भी पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले जो जनप्रतिनिधि थे कर्मचारी सबकी भूमिका बहुत सराहनीय रही और इस कारण से गांव में कोरोना का विस्तार जितना हो सकता था उसको रोकने में आप सब लोगों ने जो सफलता प्राप्त की है इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थान ये सबसे बुनियादी संस्थान है और अगर बुनियाद मजबूत होती है तो फिर इमारत अपने आप मजबूत कर रही है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एमएलए एमपी की भूमिका इस मामले में कम है और सरपंच और सेक्रेटरी की भूमिका ज़्यादा है।